नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश जोगी जेल और सरकार बघेल में। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक इतिहास में आज के दिन को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। वजह है जूनियर जोगी की गिरफ्तारी और फिर जेल। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को आज सुबह बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, फिर उन्हें एसडीएम कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया, क्योंकि कोर्ट ने अमित जोगी को जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी थी। अमित जोगी की गिरफ्तारी भाजपा नेत्री समीरा पैकरा की शिकायत पर हुई है। अजीत जोगी पर नागरिकता मामले में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद जोगी समर्थकों का प्रदर्शन शुरू हो गया है, तो कांग्रेस इसे कानूनी कार्रवाई बता रही है, लेकिन अजीत जोगी ने कहा है कि पूरी तरह से ये राजनीति से प्रेरित बघेल सरकार की बदलापुर कार्रवाई है। चलिए एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अमित जोगी की नागरिकता मामले में कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बीजेपी नेत्री और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही समीरा पैकरा ने जोगी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं गिरफ्तारी के बाद जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी से चुनाव लड़ चुकी समीरा पैकरा ने अमित जोगी के खिलाफ गलत तरीके से भारत की नागरिकता हासिल करने का आरोप लगाया था। गोरेला थाने में इस मामले में अमित जोगी पर 420 का मामला दर्ज है, लेकिन इस मामले में बीजेपी सरकार रहते हुए कभी कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार आने के बाद भूपेश सरकार में पुलिस एक्शन में आई और कल समीरा पैकरा के प्रदर्शन के बाद आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिस समय पुलिस अमित जोगी को गिरफ्तार करने पहुंची, अमित जोगी बिलासपुर स्थित अपने निवास में थे। गिरफ्तारी के वक्त अमित जोगी वकील की वेशभूषा में थे। अमित जोगी की गिरफ्तारी की खबर लगते ही बिलासपुर से लेकर पेंड्रा गोरेला तक उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई। बहुत जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जिन लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई करी है उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाएगा। माननीय न्यायालय मेरे साथ है और भूपेश बघेल के साथ उनका राजनीतिक शौचालय है, जहां से बैठकर वो अपनी बदलापुर की गंध फैला रहे हैं। फिलहाल इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट है, वहाँ पे अर्जी प्रस्तुत की जाएगी और फिर उसके बाद है। इस मामले में फिलहाल बीजेपी की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी होने के बाद बात करेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने गिरफ्तारी को जायज बताते हुए कहा कि भाजपा नेत्री की शिकायत पर कार्रवाई हुई है, कानून ने अपना काम किया है, इसमें सरकार का कहीं कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने धरना दिया है एसपी ऑफिस के सामने, तो कानून अपना काम कर रहा है। हमने तो कोई शिकायत नहीं की, ये तो भारतीय जनता पार्टी की शिकायत है, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। भूपेश सरकार को जो आरोप अजीत जोगी के द्वारा लगाया गया उससे क्या कहेंगे? अब वो तो गलत है ना, अब वो सरकार में है, कानून अपना काम करेगा नहीं करेगा ये व्यवस्था देखती है। अमित का जिस मुझे अब इसके डिटेल्स जानकारी नहीं है कि किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, पुलिस की कार्रवाई हुई है और उसको अरेस्ट किया गया है, मुझे इसकी जानकारी मैं लेता हूँ। मतलब ठीक है, उसमें मामले के मैं देखता हूँ प्रकरण है क्या। वही अजीत जोगी इस वक्त दिल्ली में है, लेकिन उन्होंने बयान जारी कर अमित जोगी की गिरफ्तारी को कानून के खिलाफ बताया है। अजीत जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल का राज भूपेश बघेल ने कायम करके रखा हुआ है। अमित जोगी के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका है, और यदि भूपेश बघेल की पुलिस उस फैसले के खिलाफ जाकर अमित की गिरफ्तारी कर रही है तो ये कोर्ट की अवमानना है। फिलहाल जोगी के जाति का मसला अभी भी गर्म है, और ऐसे में अमित जोगी की गिरफ्तारी से सियासत और उफान पर है। इन घटनाक्रमों से बात साफ है कि जोगी पिता पुत्र बुरी तरह से गिर गए हैं। सहयोगी हेमंत शर्मा के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। तो अमित जोगी के खिलाफ कार्यवाही पर लगातार जनता कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार सवालों के घेरे में है, सवाल तमाम यहां उठ रहे हैं। सवाल ये भी हैं कि जब 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज थी तब उनके ही प्रत्याशी ने ये कोर्ट में याचिका लगाई थी, जब इस पर सुनवाई क्यों नहीं हुई? भूपेश सरकार आने के बाद ही सुनवाई क्यों हुई? साथ ही सवाल ये भी है कि अब कार्रवाई के बाद
जनता जोगी कांग्रेस के समर्थकों में, अजीत जोगी में, अमित जोगी में इतनी बौखलाहट क्यों? तमाम सवाल गिरफ्तारी को लेकर खड़े हो रहे हैं, वहीं सरकार को भी लगातार यहां पर घेरा जा रहा है। दर्शकों को बता दें 2013 में मरवाही विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अमीरा पैकरा ने 400 PC का मामला दर्ज कराया है। इस मुद्दे पर और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक पैनल मौजूद है। बाबूलाल शर्मा है, रायपुर स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार हैं, नरेश गुप्ता है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, साथ ही भगवानु नायक प्रवक्ता हैं जोगी कांग्रेस के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल पहले जोगी प्रवक्ता भगवानु नायक से। सर, अब इस कार्यपाई पर जनता जोगी कांग्रेस की इतनी बौखलाहट क्यों? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है। ये नागरिकता जन्म जाति का नहीं, बल्कि एक परिवार के साथ किस तरीके से राजनीतिक विद्वेष और दुर्भावना पूर्वक कार्रवाई की जा रही है छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। आज सवेरे मारवाही सदन में सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल जाती है, जैसे कि कोई बहुत बड़े क्रिमिनल या बहुत बड़े कोई डॉन या आतंकवादी आज वहां पर उस घर में बैठे हुए हैं और इस तरीके से गिरफ्तारी की जाती है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र है जो 2014 में सबसे ज्यादा वोटों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनाव जीते हैं। ये इनके मामले पर समीरा मेकरा जी जो मामला लेकर के गई थी वो 30 जनवरी 2018 को उनकी याचिका को खारिज कर दी गई है। उसके बाद उसी मामले पर पुलिस के द्वारा उस FIR पर गिरफ्तार करना, तो क्या आज कोई पुलिस, कोई थाना क्या उच्च न्यायालय से बड़ा है? कि क्या कहें हम, भारत का संविधान का राज चलेगा, कानून का राज चलेगा या किसका राज चलेगा? तो ये जो जिस तरीके से रात को 1:30 बजे अजीत जोगी के ऊपर FIR हो जाती है, मतलब कभी भी जोगी परिवार के ऊपर कभी भी यहाँ पर जो है FIR हो जाती है। मतलब बदलापुर की राजनीति मानते हैं आप, भगवानों की आप भी मानते हैं बदलापुर की राजनीति कर रही है कांग्रेस सरकार? बिल्कुल, ये बिल्कुल बदलेपुर की राजनीति है और कहीं ना कहीं यहाँ पर कानून का राज नहीं चल रहा है। न्यायपालिका से बढ़कर कोई नहीं है। जोगी परिवार को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायालय से पहले भी न्याय मिला है और आगे भी न्याय मिलेगा। भाजपा प्रवक्ता है हमारे साथ नरेश जी, नरेश जी के पास आना चाहूंगा। सर, आपकी प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में कहा था कि गलत जानकारी अमित जोगी ने दी है, अब उनकी गिरफ्तारी हुई है, आप मानते हैं बदलापुर की राजनीति की है कांग्रेस सरकार ने? देखिए, इस पूरे प्रकरण में आपको वस्तु स्थिति का आकलन करना होगा। उन्होंने अपने जन्म स्थान क्या बताया था और एक्चुअल जनस्थान क्या है जो बाद में प्रमाणित है, तो वो उस आधार पर उन्होंने शिकायत की थी और उस भारतीय जनता पार्टी के नेत्री की शिकायत थी, इस पे कोई नहीं। और इसे किसने चुनाव लड़ाया था, ये झूठा, ये जिस आरोप पर उन्होंने आज गिरफ्तारी हुई है, जिस आधार पर, जिस कृत्य के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई है, उस कृत्य के लिए उस राजनीतिक दल का भी पूर्ण संरक्षण उस डेट में था। वो राजनीतिक दल भी उसके लिए उतना उत्तरदायी है जितने लिए व्यक्ति विशेष उत्तरदायी है। तो ये कांग्रेस पार्टी को भी सोचना होगा कि आप क्या करते रहे हैं, आप कैसा प्रमोशन करते रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं को भी इस पर जवाब देना होगा। तो कांग्रेस को आप भी लगातार सवालों के घेरे में ले रहे हैं। नरेश जी, आपकी भी तो सरकार रही थी 15 साल, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपकी तो प्रत्याशी थी समीरा पैकरा। देखिए कार्यवाही, देखिए समीरा पैकरा ने शिकायत की थी, एक सिस्टम है कोई कार्यवाही करने के लिए, लेट डाउन नॉर्म्स है, उस नाम के तहत कार्यवाही की जाती है। 2013 का मामला है ना, काफी वक्त हो गया, डॉक्यूमेंट्स में कॉन्ट्रेडिक्शन आ गया। 2013 का मामला है सर, 5-6 साल हो चुके हैं। नरेश जी, सर उन्होंने FIR कब कराई, और उस FIR के बाद उस पर जो कॉन्ट्रेडिक्टी जो बयान आया, जो एविडेंस उन्होंने खुद ने दिया, ये सारी चीजें आकर आज वो कार्रवाई की गई है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जुड़े हुए हैं, आपसे एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। सर, आपने पूरे प्रकरण को देखा, कैसा लगता है आपको ये पूरा मामला, क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबूलाल जी आप? देखिए, जन्म स्थान 3 स्थान उन्होंने बताया है, ये बात सामने आई है और ये दस्तावेजी सबूत होंगे, कहीं ना कहीं जो है दस्तावेज होंगे जिनमें 3 जगह पे 3 अलग अलग नाम लिखे होंगे,
उसमें विवाद का विषय क्या है ये समझना होगा। विवाद का विषय ये है कि एक बार उन्होंने बताया है जन्मस्थान सार बहारा पिंडर रोड, एक जगह उन्होंने बताया अमेरिका और एक जगह बताया है इंदौर, जो लाइसेंस उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस उसमें इंदौर बताया है। हो सकता है इसमें मैं इंदौर के मामले में एक बात कह सकता हूँ, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ फिर भी मैं ये कह सकता हूँ, अनुमान लगा सकता हूँ एक बुद्धिजीवी के नाते कि उस दौर में जब वो लाइसेंस उन्होंने बनवाया होगा तो वो इंदौर में रह रहे थे और इंदौर में पढ़ रहे हो जो भी हो, मतलब इंदौर में थे वे, तो जब वो लाइसेंस उन्होंने बनवाया तो उसमें उन्होंने इंदौर लिख दिया होगा जन्म, वो हुआ होगा। लेकिन वो भी गलत है, वो भी गलत है। एक पढ़े लिखे परिवार से, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अलर्ट अप को कुछ भी लिखवा दे। इसलिए जो है निश्चित रूप से दस्तावेज जो कह रहे हैं उसके आधार पर क्या बन रहा है, आरोप बन रहा है या वो कानून के दायरे में आ रहे होंगे तभी उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जहां तक सवाल है कि उनका जो सफाई है, जो उनकी सफाई ये है कि जो समीरा पैकरा ने जो याचिका लगाई या उसके खिलाफ रिपोर्ट की उसमें जो है सारे प्रकरणों को, उसमें ये जाति भी शामिल थी, कोर्ट में दिया, कोर्ट ने फैसला अमित जोगी के पक्ष में दिया, ये उनकी सफाई है। वो टेक्निकल ग्राउंड में था, वो सच्चाई क्या है उसमें ये शामिल था नहीं था, जाति के बारे में उसमें मन बिंदु था कि नहीं था ये समझना होगा। दूसरी चीज ये है कि भाई चुनाव जीत जाना चाहे 50,000 हो चाहे 60,000 हो या लाख से भी जीत जाते, चुनाव जीतना कोई ये प्रमाण नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो सब सही है। चुनाव जीतना जो है एक सफलता है, एक व्यक्ति की सफलता है, एक पार्टी की सफलता हो सकती है, एक आभा की सफलता हो सकती है, चुनाव मैनेजमेंट की सफलता हो सकती है, लेकिन वो ये प्रमाण नहीं है कि ये जिस जगह जन्म अपना बता रहे हैं वो तीनों जगह जो ये कह रहे हैं वो सही हो। वो आरोप के आधार पर दस्तावेज में जो कुछ भी होगा वो सच्चाई होगी। और मैंने आज तक भाई साहब कभी भी किसी भी राजनेता को किसी भी आरोप को स्वीकार करते हुए नहीं देखा है। हमेशा जो है हर आरोपी ये कहता है ये मैंने नहीं किया। और राजनीति में रहने वाले लोगों के लिए तो बड़ी भारी आड़ है कि भैया हम राजनीति करते हैं इसलिए जो है ये हम पर ये हमला हो रहा है। चाहे वो भूपेश बघेल के जमीन के मामले में रमन सिंह ने किया हो तब भूपेश बघेल ने कहा कि राजनीतिक बदला चुका रहे हैं रमन सिंह, या चाहे आज हो कि ये बदलापुर की राजनीति कही जा रही है, चाहे वो चिदम्बरम जी के इतने बड़े आदमी गृह मंत्री रहे हुए उनको गिरफ्तारी हो रही है तो वो मोदी सरकार के ऊपर कह रहे हैं कि बदले की राजनीति। तो ये जो है राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करते कि हमने गलतियां की हैं। गलतियां तो सिर्फ जनता करती है साहब, राजनीति को कभी गलत नहीं हो सकते ऐसा लगने लगा है। भगवान जी के पास आना चाहूंगा। भगवान जी अजीत जोगी पहले ही घिरे पड़े हैं जाति प्रमाण पत्र के मामले में और ऊपर से अब अमित जोगी के ऊपर गलत जगह बताए जाने का आरोप लगाया जा रहा है, क्या जरूरत आन पड़ती है सर, क्यों इतना झूठ बोलते हैं भगवान जी? देखिए साच को आँच नहीं और सच को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत बात है आप जो कह रहे हैं कि जोगी जी झूठ बोलते हैं, ये बहुत ही गलत बात जो है। जोगी जी ने कहीं भी झूठ नहीं कहा, वो हमेशा सच के साथ दिए हैं और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। सड़क से लेकर सदन तक छत्तीसगढ़ियों की हित लड़ाई लड़ रही है। सामने में नगरी का चुनाव है, दंतेवाड़ा चुनाव है, ये जानते हैं कांग्रेस की सरकार जानते हैं कि ये अगर दंतेवाड़ा चला जाएगा अमित जोगी तो वहां पर जीत हमारी होगी, यही कारण इसे जेल भेज दिया या जेल में रही। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। और रही बात आदरणीय बाबूलाल जी अभी जो सवाल उठाए हैं कि इन्होंने यहाँ पर जन्म बताया, यहाँ पर इनके पास कोई अधिकृत जानकारी है नहीं, ये सुनी सुनाई बातें हैं। दूसरी बात, अगर मैं कोई एफिडेविट या कोई गलत जानकारी किसी डिपार्टमेंट में देता हूँ तो वो डिपार्टमेंट को अधिकार बनता है कि वो जाकर के उसकी शिकायत करेगी कि इन्होंने एक फर्जी दस्तावेज दिया है। तो क्या कभी ऐसा कोई मामला आया? अगर मैंने कोई आरटीओ को अगर कोई गलत लाइसेंस बनवाया तो क्या आरटीओ ने मेरे खिलाफ मामला बनाया? अगर मैंने चुनाव आयोग को कोई मामला, अगर मैंने झूठा शपथ पत्र दिया तो क्या चुनाव आयोग ने मेरे खिलाफ मामला बनाया? तो ये तथाकथित भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जब से राजगठन हुआ जोगी जी के पीछे पड़े हुए, क्योंकि एक जनाधार व्यक्ति है। आज उन्होंने एक नई पार्टी बना ली, आज उनके पार्टी का वर्चस्व देखिए, 2 महीने पहले चुनाव चिन्ह मिलता है, एक बड़ी सफलता, 7 सीटें लाते गठबंधन में। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से छत्तीसगढ़ की जनता का मोह भंग हो गया, इसीलिए आप इनके पास कोई मुद्दा नहीं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इतने बड़े बड़े भुखमरी की मुद्दा है, नक्सलवाद का, बेरोजगारी का है, महिला अपराध का है, लेकिन इन मुद्दों पर नरेश गुप्ता जी से टिप्पणी ले लेते हैं। नरेश जी वर्चस्व की लड़ाई मानते हैं? राजनीतिक हत्या कर दे। नरेश जी वर्चस्व की लड़ाई मानते हैं? जनता जो की कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, शक्तिशाली पार्टी है, डरती है भाजपा और कांग्रेस?
जैसे से जैसे देखिए आप तथ्य की बात करें, मैं तथ्यात्मक बात करने में विश्वास रखता हूँ। क्या तथ्य है, तथ्य क्या बोलता है, और मैं तो आज जो इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस पार्टी के लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जो आधार है, जो नॉमिनेशन पेपर रहा है, वो किस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी के रूप में ये सारी चीजें दी थी उस समय, तो वो भी उस कटघरे पे खड़े हैं। ये आज जब आपके साथ नहीं है तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। ये बात तो मैं तथ्य की आज वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या था, बात तो मैं तथ्य की कह रहा हूँ, लेकिन तथ्यात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी इन सारे इश्यू को, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इन सारी चीजों को पीछे पड़ी हुई है, इन सारी चीजों को एक्सपोज करते आ रही है। ठीक है, तथ्य की बात नहीं करते भगवान जी, के ऊपर एफआईआर होती है, बदलापुर की राजनीति हो जाती है। और मैं तो पूरे फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा दस्तावेज कहाँ पर जोगी जी ने दिया है, अमित जोगी ने दिया है, और किस डिपार्टमेंट के सामने दिया है, किस डिपार्टमेंट ने जाकर के कार्रवाई की है। अगर मैं इलेक्शन कमीशन, डिपार्टमेंट ने कार्रवाई नहीं की तो क्या जनता का अधिकार नहीं है उस पर कार्रवाई का? देखिए तो संवैधानिक संस्था को क्यों बनाया गया है, संस्था उस देखिए ये फिर ये आज तक जो रिलीफ टेक्निकल रिलीफ जो मिला ना इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन के जो पिटीशन में है दैट वाज अ वेरी टेक्निकल रिलीफ गिवन टू द रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट को बहुत टेक्निकल रिलीफ मिली हुई है, उस पर इस सारी चीजों से क्लीन चीट नहीं मिली है, वो टेक्निकल रिलीफ मिला हुआ है। आप उन सारी चीजों को उलझाए मत, तथ्यात्मक बात करिए, तथ्यात्मक बात करिए। आदरणीय आप बहुत सीनियर, मैं फैक्ट के साथ करूंगा। अगर मान लीजिए अमित जोगी जी ने इलेक्शन कमीशन के साथ कोई छल किया होगा, कोई धोखा किया होगा, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उस पर कार्रवाई की? और ये जो पूरा मामला ये जब जाता है न्यायालय में जाता है, इस पर सैकड़ों लोगों की गवाही होती है, दस्तावेजों के साथ होती है, और उसमें 30 जनवरी 2019 को एक फैसला आता है, समीरा पैकरा जी के याचिका को खारिज कर दिया जाता है। क्या लिखकर खारिज किया जाता है, क्या लिखा आपने जो तथ्य दिया है वो असत्य है। वो लिखा जाता है कि ये सत्र समाप्त हो चुका है, इसलिए ये इस पिटीशन की उपयोगिता समाप्त हो गई है, यही लिखा जाता है कि और इससे कोई वर्डिक्ट मेरी जानकारी में नहीं है, और हो सकता है मैं उसमें सुधार करने को। आदरणीय सबसे पहले आप जानकारी लीजिए, क्योंकि याचिकाकर्ता आप ही के पार्टी की है, उसने किन तथ्यों के साथ गई, किन फैक्ट के साथ गई, क्या था फाइनल वर्डिंग, क्या था उस पहले उसका बयान बताइए, पार्टी की याचिकाकर्ता समीर पेगराजी फाइनल वर्डिंग बताइए क्या बोला गया था। मैं बता रहा हूँ ना, उसमें यह फैसला दिया कि उनके याचिका को खारिज कर दिया गया, अमित जोगी जी को आदिवासी माना गया, जितनी फैक्ट थी वो पूरे हमारे फेवर में आई है, वहां पर उनके खिलाफ गया है, समीरा पेगरा जी के खिलाफ में। मैं तो बोल रहा हूँ ना, समीता खेसा जी के पिटीशन को रद्द कर दिया गया, उनको अस्वीकृत कर दिया कोर्ट ने। क्यों अस्वीकृत किया उसका आप एनालिसिस करिए, समझ में आ जाएगा। देखिए सरकार बदल गई, पुलिस तो वही है, एफआईआर आज की तो नहीं है, अमित जोगी तो छत्तीसगढ़ के निवासी है, आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं की छत्तीसगढ़ की पुलिस, आज कैसे गिरफ्तार कर ली अमित जोगी जी को गिरफ्तार? क्या वो अमित जोगी जी का एड्रेस नहीं जानते थे? तो ये सब पूरा मामला समझ में आता है, ये पूरा मामला राजनीति से संबंधित है। आज जोगी जी ने नई पार्टी बनाई है, नगरी निकाय चुनाव सामने, आरोप नरेश जी आप पर ही लगा रहे हैं, आप पर ही लगा रहे हैं। 15 साल तक आपकी सरकार थी, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जैसे ही भूपेश बघेल की सरकार आती है उसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है अमित जोगी जी की। तो इसका जवाब भूपेश बघेल जी की सरकार दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। भूपेश बघेल जी की सरकार जो बदलापुर की राजनीति कर रही है, लेकिन तथ्य के साथ बदलापुर की राजनीति की बात करें आप, आपके कोई तो मत नहीं है तो बदलापुर की राजनीति, अरे हमारे साथ तो बदलापुर की राजनीति नहीं, ये बदलापुर का नारा किसने दिया इस प्रदेश में? बदलापुर का नारा किसने दिया बता दीजिए, बनता है पुनीत गुप्ता जी के खिलाफ कोई मामला बनता है, मामला क्या बनता है मुझे बता दीजिए। तो बदलापुर की राजनीति तथ्य की जानकारी लेके आइए, तथ्यात्मक अंतर कर लीजिए, यही मैं बोल रहा हूँ। आप बताइए चिटफंड कंपनियों में पैसा 2008 से 2011 का लगता है, मैं पैसा लगा रहा हूँ 8 से 11 में, और अभिषेक जी 14 में सांसद बनते हैं तो आरोप लगाते हो कि ये सांसद बनके इनका प्रमोशन किया,
इसलिए है एक बार के साथ सत्यात्मक अंतर है एक बार की FIR होती है और पूरे प्रदेश में एक बार के सांसद हैं और FIR पूरे प्रदेश में हो रही है। सत्यात्मक अंतर को कर लीजिए। आज अभिषेक आरोप लगाने से पहले उस तथ्य को देखें। आज रमन सिंह जी के साथ कार्रवाई होगी, अभिषेक जी के साथ कार्रवाई होगी या पुनीत गुप्ता जी के साथ हो तो बदलापुर की राजनीति, और अमित जोगी जी के साथ कार्रवाई हो रही है तो वो आरोपी हो गए, क्रिमिनल हो गए। वाह, मैंने अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भगवान जी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है उनको, अमित जोगी को। आगे की क्या कार्यवाही रहेगी आपकी, जमानत याचिका लगाई जाएगी आपके द्वारा? देखिए, न्यायपालिका से शुरू से जोगी परिवार को न्याय मिला है, भारत के संविधान पर हमें विश्वास है, न्याय प्रक्रिया चल रही है, ईडीजे कोर्ट में कल हम लगाएंगे याचिका और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें वहां से जमानत मिलेगी। ठीक है, बाबूलाल जी के पास आना चाहूंगा। बाबूलाल जी, 15 साल तक आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, उस वक्त कार्रवाई नहीं होती है, लगातार भगवानुज भी ये आरोप लगा रहे हैं कि बदलापुर की राजनीति भूपेश बघेल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि 15 साल तक भाजपा की सरकार थी प्रदेश में, जब कार्रवाई नहीं हुई, जैसे ही भूपेश बघेल सत्ता में आते हैं, कांग्रेस की सरकार आती है, कार्रवाई अमित जोगी के ऊपर होने लगती है, क्या मानना है आपका? देखिए, कोई सरकार सीधी कार्रवाई नहीं करती है, कानून अपना काम करता है। और ये सरकारों से जब आप बयान मांगेंगे तो सरकार के बैठे हुए लोग यही बयान, लेकिन भगवान जी तो यही कह रहे हैं ना, कानून अपना काम कर रही है ना। नहीं, भगवान जी जो कहेंगे, मैं आपको उसके आगे आ रहा हूँ ना, 2013 की बात आप कर रहे थे, तो 2013 में यही कांग्रेस की तरफ से आरोप आते थे कि दोनों में बड़ी मोहब्बत है, भारतीय जनता पार्टी और अजीत जोगी में दोनों में बड़ी मोहब्बत है, दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ रही है। और अब आते आते जो है उसी भाजपा ने जो उसी अजीत जोगी और अमित जोगी के खिलाफ मामला लाया। अब सवाल वो छोड़ दीजिए, तो जहां तक ये दोनों मेरे आजू बाजू जो बैठे हैं, ये दोनों बड़े वकील हैं और कानून के जानकार हैं। ये कभी गुनहगार को सजा दिलाने के लिए भी कोर्ट में खड़े होते हैं, कभी ये जो है आरोपों को बचाने के लिए भी खड़े होते हैं, और कभी जो है वो बीच के रास्ते को भी अपनाते हैं। इन लोगों का जो बातचीत करने का जो तरीका है वो अपने अपने ढंग से अपने अपने बचाव में है दोनों के दोनों। निश्चित रूप से जो मैं तो इस बात का आदी हूँ, इन्होंने तकनीकी पक्ष रखा, मैं जो बात करता हूँ राज्य की, इसमें राजनीति एक कारण जरूर है। भगवान भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई राजनीति करता है तो उसको नीचे गिराने के लिए कोशिशें भी होती हैं, वो एक कारण, एक बढ़ती हुई पार्टी के लिए कारण बन सकता है, लेकिन सिर्फ वही कारण हो ये भी नहीं है, कहीं ना कहीं कोई बात है तब यह कई बात हुई है। मैं आपको बताऊं कि मैं जो बात करता हूं वो मैं जनता के बीच का आदमी, जनता का प्रतिनिधित्व करने यहां बैठता हूं, एक पत्रकार के नाते जनता के बीच रहता हूं, तो वहां जो चर्चाएं चलती हैं, वहां जो बातें आती हैं, जहां जो प्रभाव पड़ता है, वो महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखता हूं, मेरे अपने तरफ से कुछ भी नहीं रखता। जहां तक अजीत जोगी अमित जोगी का सवाल है, अमित जोगी की उतनी स्वीकार्यता समाज के अंदर में, जनता के अंदर में नहीं है, लेकिन अजीत जोगी की स्वीकार्यता बहुत जबरदस्त है, इसलिए कोई दो राय मुझको नहीं है। बढ़ती हुई पार्टी को उनके सहारे ही जो है खड़े किया गया है, अमित जोगी ने उसे सहयोग किया, लेकिन अमित जोगी ऐसे फिगर नहीं है जो अजीत जोगी की बराबरी कर सके। अजीत जोगी निश्चित रूप से लोकप्रिय हैं और राजनीति में ऐसे आरोप प्रत्यारोप किए जा सकते हैं, मैं वो नहीं कहता, लेकिन सवाल ये है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो मैंने कहा था कि जनता के बीच इस बात का चर्चा है कि दस्तावेजी प्रमाण होंगे तभी तो गिरफ्तारी हुई होगी, और अभी दूसरा कोई सामान्य व्यक्ति होता तो अगर उसके साथ ऐसा आरोप होता तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। फिर भी इनको काफी रिलैक्सेशन मिला, उसमें आरोप भी इन्होंने जिले की मोहब्बत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, दोनों का एक ही नाता रिश्ता है। अब जो है कभी रमन सिंह कहते हैं कि कांग्रेस से इनका नाता रिश्ता है, ये राजनीति में सब चलता है, लेकिन अपराध अगर होता है या आरोप लगता है और कोई कहीं सिद्ध होता है तो अपराध होता है, चाहे वो किसी तरह का भी हो, धाराएं लगेंगी, कोर्ट कचहरी होगी, गिरफ्तारी भी होगी, जमानत भी होगी, सब प्रकार की बातें होंगी। निश्चित रूप से जो है अंतिम फैसला जिस दिन इसमें आएगा वो सही होगा, और उस फैसले में बिल्कुल भगवान नायक ने बिल्कुल ठीक कहा कि अदालत पर हमको भरोसा है तो इनको भरोसा है, तो अदालत देगा निर्णय, वो भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार करेगी, भगवान भाई भी स्वीकार करेंगे कांग्रेस की तरफ से, जनता कांग्रेस की तरफ से, और हमको भी स्वीकार होगा। निश्चित रूप से जो है अब वेट करना चाहिए, जो आरोप लगा है, FIR हुई है, गिरफ्तारी हो गई, नियम कानून के तहत कानून अपना काम करता है, कानून को काम करने दिया जाए, अदालत को काम करने दिया जाए, अदालत निर्णय करेगी। तो भगवान जी, आप ये दस्तावेजी प्रमाणों के जरिए सिद्ध क्यों नहीं कर देते हैं कि जो 2013 में जो चुनाव हुए थे वहां पर
उसमें उन्होंने जन्म स्थान सही बताया था, इसमें इसको आप सिद्ध कर दीजिए कोर्ट में। बिल्कुल, कोर्ट में ये पूरा मामला पहले भी सिद्ध हो चुका है। मेरे तो पहले, मैं बार बार वही बात फिर कह रहा हूँ कि माननीय न्यायालय से हमेशा न्याय मिला है। जाति के मामले में आप देखेंगे, आज का मामला नहीं है, 30-40 वर्षों पहले का है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला दिया, 4 बार उच्च न्यायालय ने दिया, 30 जनवरी को अभी हाल में अमित जोगी जी की पूरे इस प्रकरण में पूरे इन तथ्यों के साथ हमें न्याय मिला है। और आज अगर पुलिस दुर्भावनापूर्वक अगर हमारे इस सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है तो उस पर भी न्यायालय हमारे पास है। जैसे कि आदरणीय बाबूलाल जी ने कहा, अब तो हमें जेल भेज दिया गया है, अब हमारे पास तो न्यायालय के अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। हम न्यायालय में जाएंगे और अपने वक्त का अभाव है। अंतिम प्रक्रिया, नरेश गुप्ता जी हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं जी। नरेश जी, देखिए, भगवानी नायक जी से पूछता हूँ कि ये वास्तविकता आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी बता दें कि वास्तविक रूप से और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के हिसाब से माननीय अमित जोगी जी कहाँ पैदा हुए, किस शहर में, किस गांव में कहाँ पैदा हुए, ये बता दें तो सारा चीज शॉर्ट आउट हो जाएगा साहब। कहीं कोई इश्यू नहीं है। वो कई बार प्रूव कर चुके हैं, कोर्ट में बता चुके हैं, पहले ये दस्तावेजीकरण दस्तावेज पूरे प्रस्तुत कर चुके हैं न्यायालय के सामने। दीजिए साहब कहाँ, अब नहीं, आप तो बता तो दीजिए। दो जगह आप यही खुद मान रहे हैं, वो एजेंसी शिकायत नहीं कर रही जिसमें मैंने बोला हूँ। अरे बाबा, मेरे घर पे यदि कोई चोरी करने आया, मैं शिकायत नहीं किया। जल्दी से जवाब दीजिए भानु जी, भगवानु जी जल्दी से जवाब दे दीजिए नरेश गुप्ता जी के सवाल का। जल्दी से जवाब, जोगेरिया जो है, भारतीय जनता जोगेरिया नामक एक बीमारी है जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को है, और यह 15 साल से सिर्फ जोगी जी के जन्म और जाति के चक्कर में लगे रहे। छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट में अगर ये अपना समय लगाते तो शायद ये 15 साल की सरकार ये 15 सीटों पर नहीं सिमटती। आने वाले समय में माननीय न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। तो प्रस्तुत तो कर दीजिए ना कोर्ट में कि वो कहाँ पैदा हुए थे, नागरिकता क्या है उनकी, आप प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे जनता की अदालत में प्रस्तुत कर दो सर, कोर्ट में तो आप प्रस्तुत करते हैं ना, आज सब चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, डिस्कशन का मुद्दा खत्म हो जाएगा। आपके सामने लाके प्रोड्यूस कर दें, कल समय दे दें, हम आम भी आ जाएंगे, आप भी रहेंगे। अमित जोगी जी बताएंगे, मैं कैसे बताऊंगा? आप न्यायालय में जाके उनको चुनौती दीजिए, आप वहाँ पर याचिकाकर्ता बनिए ना, वहाँ कंप्लेंट तो फाइल कर दी हमारी नेत्री ने, हमारी नेत्री